बी एंड सी आप लोग तैयार हैं? हमारा दूसरे राउंड का मरहला, दूसरे राउंड शुरू होने वाला है, आप लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल। जरा मेरा माइक बढ़ाइएगा प्लीज। तैयार हैं? जी बिल्कुल। हाँ या ना का जवाब है, सवाल खत्म होने से पहले बजर मत बजाइएगा, सवाल खत्म होने से पहले बजर मत बजाइएगा। जानवरों में सबसे कम उम्र चींटी की होती है, हाँ या ना? यस और नो? यस ना जी। अब तो जाहिर है हाँ तो कहना ही है, क्योंकि ना गलत है, जवाब नहीं माना जाएगा। एक जवाब जिसको पहला मौका मिलेगा वो ही देगा, जब किसी का भी पॉइंट नहीं है ये। कछुए की औसत उम्र 100 साल है, ए जी नहीं 150 साल है। तोता परिंदों का बादशाह कहलाता है, जी नहीं। कौन कहलाता है परिंदों का बादशाह? शाहीन। दुरुस्त जवाब। फोटो, फोटो के माने रोशनी के होते हैं, जी सही। जवाब सही है। माहौल फारसी जबान का लफ्ज है, जी नहीं। जवाब दुरुस्त है। कौन सी जबान का लफ्ज है ये? अरबी का, अरबी का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के दादा हैं, जी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दादा। बहरहाल जवाब आपका सही है, नहीं पे। दुनिया का सबसे करीब तरीन सैयारा मरीख है, जी नहीं। नहीं नहीं, मार्स, अर्थ मार्स। हाँ आपका जवाब गलत हुआ। शहद की मक्खी की 5 आंखें होती हैं, हाँ या ना? जी हाँ। जवाब दुरुस्त है। बेगम की कितनी आंखें होती हैं? जी 2। जवाब गलत है। बेगम की कितनी आंखें होती हैं? 4। 4, 4 आंखें होती हैं बेगम की। बहरहाल एनीवे, दुनिया में सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ी जाती है, गलत। बी ने बजाया है, सबसे पहले किसने बजाया? ए ए जी गलत। क्या पढ़ा जाता है? दुरुस्त जवाब है। सबसे ज्यादा इसमें तो तालियां जोर से होनी चाहिए। दूध में, मिल्क में क्रीम 7% होती है, हाँ या नहीं? जी जी हाँ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जल्दी जल्दी खेल रहे हैं। प्याज का जिक्र कुरान करीम में है, ए जी है। जी बिल्कुल है, एक ए पॉइंट है। अजमेर शरीफ ईरान में वाकई है, सी नहीं। जवाब दुरुस्त है। पाकिस्तान का कौन भी जानवर बैल है, क्या है? प्रॉब्लम कर रहा है। आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, आप उसे दबाए रख रहे हैं ताकि दूसरों को मौका ना मिले। मुझे इसकी मैकेनिक ऐसा है, ऐसा ही है, आप मत दबाइए इससे। आप अगर दबाए रहेंगे मुसलसल तो दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलेगा। आपने जवाब देना था, जी बताइए। जी ये गलत है, पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम आते हैं आखिरी सवाल जवाब के मरहले पे, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। आखिरी सवाल जवाब का मरहला ये तय करेगा कि आप तीनों में से कौन रहेगा और कौन जाएगा। 2 लोग चले जाएंगे, 1 लोग रह जाएंगे। अब आप बजर कभी भी बजा सकते हैं, लेकिन बजर पे हाथ नहीं जाएगा। सूरह यासीन कुरान पाक के किस पारे में है? जी 23वें पारे में, 22वें और 23वें में। 22वें और 23वें में, 22वें और 23वें, जवाब सही है। सबसे ज्यादा मुसलमानों को फतुहात किस खलीफा के जमाने में हुई? जी हजरत उमर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बल्ब के मूजिद का नाम बताइए, जी सी एडिसन, थॉमस एडिसन। जवाब दुरुस्त है। हजरत नूह ने कितने साल तबलीग की? सी 950 साल। 950 साल। पाकिस्तान का कौमी लिबास? शलवार कमीज। सैफुल मुलूक झील कहाँ वाके है? जी सवात में, जी वो नारान, कामान नारान। जवाब दुरुस्त है, लेकिन पहले किसने बजाया था बजर? खैर इट डजंट मैटर, कागान नारान में।
ओके हजरत ईसा पर जवाब गौर से सुनिएगा सवाल गौर से हजरत ईसा पर कौन सी किताब नाज़िल हुई ए इंजील दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ है अमेरिका इन्होंने अमेरिका लिखा है इसमें बहुत सारा रिसर्च वर्क शामिल नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रशिया में है लेकिन जवाब मैं दुरुस्त मानूंगा क्योंकि नॉर्मली उसे अमेरिका ही कंसिडर किया जाता है कैलिफोर्निया को कंसिडर किया जाता है रशिया की यूनिवर्सिटी है जिसे मॉस्को यूनिवर्सिटी कहा जाता है वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है लेकिन जवाब मैं इनका दुरुस्त मान रहा हूँ बहुत सारी तालियां इन लोगों के लिए अब क्या लगता है आपको क्या हुआ है माइक उठा लीजिए अच्छा ही हुआ होगा तुक्के नहीं मारे हमने आपको क्या लगता है इंशाल्लाह अच्छा ही हुआ आपको क्या लगता है बेहतर हुआ होगा आप में से किसे लगता है कि वो हार गया आपको क्या लगता है टीम ए आप हार गए आपको क्या लगता है टीम बी आप भी जीते हैं आपको क्या लगता है इंशाल्लाह जीते हैं अगर तीनों जीते हैं तो हारा कौन है टीम बी और टीम सी और टीम ए आप तीनों में से सिर्फ एक टीम आगे जाएगी आपको क्या लगता है ये जीते हैं ये जीते हैं ये जीते हैं कौन जीता है ये जीते हैं ऐसा नहीं हुआ आई एम सॉरी आइए हमारे पास एक बजर लगा हुआ है जो इनसाइड है जवाब आप लोगों ने सही दिए थे यहाँ आ जाइए लेकिन मसला ये है कि उस बजर ने ये बताया है कि आपने ज़रा सी बेईमानी की है और बेईमानी ऐसे की है कि आपने पहले से जवाब पे घंटी पे हाथ रखा है और आपके मैंने 8 points डिडक्ट किए हैं 8 points निकाले हैं क्या लगता है आपको नहीं हुआ ऐसा तो फिर ऐसा नहीं होगा मुबारक हो आपको बहुत बहुत मुबारक हो बहुत बहुत माइक मिल जाएगा मुझे है हमारे पास यहाँ कहीं आप ले आते माइक लाइएगा जरा जल्दी से भाग के लेके आइए तालियां आप लोगों ने नहीं बजाई हैं तो जब मैं आपसे ये कह रहा था तो कैसा लग रहा था आपको लग रहा था कि शायद ऐसा हुआ हो आपको कैसा लग रहा था क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया था लग रहा था आप मजाक कैसे बेटे कैसे हैं आपके ये बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह ये वालिदिधर नहीं है मगर मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं ये क्या नहीं है जैसे वालिदिधर नहीं है पाकिस्तान में लेकिन आपके दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं वालिद कहाँ होते हैं इनके दुबई में दुबई के अंदर होता है चलिए इंशाल्लाह ताला आप खेलेंगे गाड़ी के लिए और आप आगे एडवांस कर रहे हैं बेस्ट ऑफ लक टू यू थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तरफ आता हूँ माइक उठा लीजिए खेला आप लोगों ने बहुत अच्छा सब ने बहुत अच्छा खेला लेकिन एक टीम जीत गई आपके पॉइंट्स बड़े क्लोज थे आपने 8 points हासिल किए थे आपने 5 points हासिल किए थे लेकिन एक टीम को जीतना था आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया इट वॉज वंडरफुल जी बहुत बहुत शुक्रिया इन सब के लिए बहुत सारी तालियां टीम ए क्वालिफाई कर गई है यहाँ से हमारे पास बुशरा जावेद और माज जावेद की टीम ने इन्होंने 11 पॉइंट्स हासिल किए और बहुत अच्छा खेला क्या लगा आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और ये प्रोग्राम ही बहुत खूब है इससे एक जज्बा अच्छा हेल्दी परवान चढ़ेगा मालूमात इल्म को फरोग मिलेगा मेरे ख्याल में इसको इसी तरह रवा दवा रहना चाहिए जीतने वाली टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ हारने वाले टीम से ये कहूँगा हौसला ना हारें
गिरते हैं शेर सवारी मैदान में। आपको क्या लगा? जी बहुत अच्छा मुकाबला हुआ और सबने बहुत अच्छे तरीके से, कल के मुकाबले में और ज़्यादा अच्छा हुआ इसलिए कि कल बहुत ज़्यादा मना करने के बावजूद बैल बज रही थी, और लेकिन ओवरऑल इन्होंने बहुत अच्छा किया आज। आप लोगों ने आज वाकई बड़ा अच्छा खेला है। जी जी आपने वाकई बहुत अच्छा किया। मुझे गिफ्ट बता दीजिए कौन कौन से देने, बता दें आके मुझे। लाइए उठाइए उठाइए दीजिए मुझे, ले आइए साथ, ये भी ले आइए, ये भी ले आइए, आ जाए मेरे साथ। डायमंड की तरफ से आपको जायनमाज है और उनका गिफ्ट है और साथ साथ एक टेलीफोन है, मोबाइल है, ये आप लोग हमारी तरफ से लेके जाएंगे। आपके लिए नहीं है ये, इन लोगों के लिए है, क्योंकि आपको आप लोग जी प्लीज़ ये इन दोनों के लिए है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, इनको दे दीजिए। आप तो हमारे आगे ग्राउंड्स में होंगे तो आप बड़े प्लान उसके लिए खेलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए लाहौर और उसके मज़ाफात में अब अजान मगरिब का वक्त हो चला है, आइए चलते हैं लाहौर की अजान की जानिब।